सिंहासन पर नहीं बैठने का समाचार आ गया। देवी मुझे इस सिंहासन पर बैठने दो ना। पहले महाराज विक्रमादित्य जैसे राजा होने का परिचय तो दीजिए। आप सभी तो ऐसी कहानियाँ सुनाती हैं जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कोई तो आसान कहानी सुनाओ ताकि मैं कह सकूं कि हाँ ये काम मैंने किया है। तो सुनिए, महाराज विक्रमादित्य प्रजापालक, न्यायप्रिय, दानी और योगी स्वभाव के थे। उन्हें शिकार खेलने का भी बहुत शौक था। एक बार वे शिकार के लिए निकल पड़े जंगल की ओर। आज तो शेर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। और अचानक से दिख गया तो क्या करोगे? कोशिश करूंगा कि वो मुझे देख ना पाए। रुको, यहाँ आसपास ही शेर है। वो रहा। अरे घोड़े की आवाज है। ओह, बहुत बुरा हुआ। अब हमें इस जंगल से निकलना चाहिए। बिना सोचे समझे आगे बढ़ना समझदारी नहीं। मूर्ख बेताल, छोड़ दे इस शव को। क्यों छोड़ दूं? पहले मैंने इसे देखा है, तू छोड़ इसे। हैं बेताल, ये शव मुझे दे दे, मैं इस शव पर तंत्र साधना करूंगा। वाह भाई वाह, भूख के मारे मेरे पेट में हाथी चूहे कूद रहे हैं और तू कहता है कि मैं इसे तुझे दे दूं। चल हट। पहले मैंने इसे पकड़ा है। ये अलग बात है कि मैंने पहले इसे हाथ नहीं लगाया, लेकिन अपनी अंतर शक्ति से मैं इस शव को यहाँ तक खींच लाया हूँ। बेताल, तेरी भूख से ज्यादा जरूरी मेरी तंत्र साधना है। तू किसी जानवर के शव की तलाश करके अपनी भूख मिटा ले, जा। तो एक काम कर, तू ही जाकर एक जानवर का शव ले आ मेरे लिए। मैं कहाँ से लाऊं और क्यों लाऊं? तो जा, मैं भी इसे नहीं दूंगा। वो देख, वे कहीं के राजा लगते हैं और राजा न्यायप्रिय होते हैं। उनसे ही चलकर पूछते हैं कि ये शव किसे मिलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो। प्रणाम राजन, मैं कापालिक हूँ और ये बेताल है। हम दोनों चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें। हमने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। पहले इस बात का वचन दो कि जो भी न्याय हम करेंगे वो तुम दोनों मानोगे। हमें मंजूर है। और दूसरी बात ये कि हम इस समय अपने राज्य में नहीं है और ना ही हम सिंहासन पर बैठे। अब क्या सिंहासन लाना होगा? नहीं, लेकिन न्याय करने के लिए तुम दोनों को हमें मूल्य देना होगा। ये लीजिए चमत्कारी थैली है, इससे जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। दे भी रहा है तो एक लकड़ी कंजूसी की भी हद होती है। काहे कंजूस कहते हो? ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, ये मोहिनी काष्ठ है। इसे घिसकर तिलक करने से आदमी अदृश्य हो जाता है। तुम दोनों के बीच के झगड़े में जो सबसे जरूरी चीज है
वो है आवश्यकता। बेताल, तुम्हारी जरूरत यह है कि तुम इसे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो, और कपाली की जरूरत यह है कि वो इस शव से तंत्र साधना की सिद्धि करना चाहता है। बेताल, तुम्हारी भूख तो किसी भी मुर्दा जानवर को खाकर भी शांत हो सकती है ना? हाँ हाँ, मुझे तो कुछ भी चलेगा। तो बस हो गया न्याय, वहाँ सामने देखो, तुम इस घोड़े को खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हो। घोड़े का ताजा ताजा मांस, मैं तो चला दावत करने। कपालिक, तुम्हारी तंत्र साधना उसकी भूख से ज्यादा जरूरी है, इसलिए अब तुम ये शव ले जाकर अपनी तंत्र साधना पूरी करो। धन्यवाद राजन। हमें भी भूख लगने लगी है, कपालिक की इस थैली की परीक्षा लेनी चाहिए। है चमत्कारी थैली, हमारे सामने ताजे फल और स्वादिष्ट भोजन उपस्थित करो। अब सुबह होने तक थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, परंतु यहाँ कोई भी जानवर हम पर आक्रमण कर सकता है, हमें अदृश्य हो जाना चाहिए। अब हे वैतालों, तुम दोनों जहां भी हो हमारे सामने प्रकट हो। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, खाना आए ना आए गाना चाहिए। प्रणाम महाराज। ये क्या, तुम दोनों को शर्म नहीं आती इस तरह हमारे सामने आते हुए? महाराज, आपने ही तो हमें पुकार कर कहा था कि हम जहाँ भी हैं आपके सामने आ जाए। तो हम दोनों नहा रहे थे और ऐसे ही आ गए। कहिए, कैसे याद किया आपने? पहले अपने कपड़े पहन कर आओ। अभी लो महाराज। अब चलो, हमें हमारे महल तक पहुंचा दो। तो चलिए महाराज। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है बेटा, कुछ खाने को हो तो इस गरीब को दे दो बेटा। बाबा ये लो, ये एक चमत्कारी थैली है, इस थैली से जब भी जो भी तुम मांगोगे तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। अब कहिए राजा भोज, क्या आपने कभी ऐसा न्याय किया है? क्या आपने कभी ऐसा दान दिया है? यदि हाँ, तभी आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। कोई इतना बड़ा दान दे कैसे सकता है? तभी तो आप राजा भोज हैं और वे महाराज विक्रमादित्य थे। अब आप जिद छोड़ दीजिए। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। कभी ना कभी मेरा भी दिन आएगा, तब देखना, मैं तुम सबको बताऊंगा। आज 15 दिन हो गए परंतु मैं सिंहासन पर नहीं बैठ पा रहा हूँ। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। यदि मेरे भाग्य में सिंहासन पर बैठना लिखा है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठहरिए राजा भोज। इतने जल्दी क्यों आ जाती हो तुम सभी? कम से कम मुझे सिंहासन के करीब तो आ जाने दिया करो। परंतु किसी भी चीज को हासिल करने से पहले इंसान को उस चीज के लायक बनना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं सिंहासन पर बैठने के लायक हूँ। इतना ही विश्वास है तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। स्वयं निर्णय कर लीजिएगा कि आप इस सिंहासन पर बैठने के काबिल है या नहीं। ठीक है देवी, आप कहानी प्रारंभ कीजिए, लेकिन एक बात बताइए, क्या मैं इस सिंहासन पर बैठकर कहानी नहीं सुन सकता?
राजा भोज। ठीक है, मैं खड़े खड़े ही सुन लूंगा। मेरा नाम सुंदरवती है और मैंने देखा है कि राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ख्याल रखते थे। उज्जैन के व्यापारियों में सबसे बड़ा नाम था सेठ पन्नालाल का। उनका एक जवान पुत्र था हीरालाल, जिसके विवाह के बारे में विचार करने के लिए उन्होंने एक दिन अपने यहाँ उज्जैन के बड़े बड़े ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ये मेरा पुत्र हीरालाल है, अब ये जवान हो चुका है। मैंने आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है, आप मेरे पुत्र के विवाह का लग्न मुहूर्त निश्चित करें और इसके लिए एक योग्य कन्या की भी तलाश करें। जजमान, एक कन्या है, समुद्र पार एक द्वीप है, मैं वहीं के एक व्यापारी की बेटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके पुत्र का प्रस्ताव लेकर उनके पास जा सकता हूँ। ठीक है, आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ जाने की तैयारी कीजिए। जजमान, भगवान ने चाहा तो ये जोड़ी बनकर रहेगी। हाँ, हमारा सौभाग्य है कि हमारी बेटी का विवाह ऐसे अच्छे खानदान में हो रहा है। पंडित जी, आप शादी की तैयारी शुरू करवाइए। जजमान, आज से 4 दिन बाद का शुभ मुहूर्त है, बारात ठीक 4 दिन बाद आपके द्वार पर होगी। हाँ, जैसे ही विवाह की तारीख नजदीक आई तेज बारिश शुरू हो गई। द्वीप तक जाने का रास्ता बंद हो गया। सेठ पन्नालाल का ध्यान इस अनहोनी की ओर बिल्कुल नहीं गया था। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ऐसे में बारात द्वीप तक पहुँचेगी कैसे? जजमान, अगर बारात सही समय पर नहीं पहुँची तो कन्या पक्ष को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हाँ, अब आप ही बताइए ऐसी हालत में क्या किया जाए। हमारे राजा विक्रमादित्य के पास हवा की तेजी से चलने वाला रथ और घोड़ा है। यदि महाराज आपको अपना वही घोड़ा और रथ दे दें तो काम बन जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अवश्य ही राजा विक्रमादित्य के पास जाकर उनसे रथ की मांग करूंगा। प्रणाम महाराज। कहो पन्नालाल सेठ, सब ठीक तो है ना? महाराज, मेरे बेटे की बारात समुद्र पार द्वीप पर जानी है, परंतु इस घनघोर बारिश ने वहां पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर ये बारात शुभ मुहूर्त तक नहीं पहुंची तो दो परिवारों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? महाराज, आपके पास पवन जितना तेज दौड़ने वाला रथ है, यदि आप वो रथ कुछ दिनों के लिए मुझे दे दें तो मैं समुद्र पार ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा और मेरे पुत्र की शादी हो जाएगी। हमारा जो कुछ भी है वो सब प्रजा के लिए ही तो है, हम तुम्हें रथ के साथ साथ उसका सारथी भी देते हैं। जाओ और अपने पुत्र का विवाह करवाओ। धन्यवाद महाराज, मैं और मेरा परिवार आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा रथ तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। ये रथ और ये आलीशान घोड़े तो मेरे पुत्र की शादी में 4 चांद लगा देंगे। रथ तो हमने दे दिया, लेकिन सेठ पन्नालाल के सामने कोई और बाधा आ गई तो अनर्थ हो जाए। हे बेतालो, हमारे सामने प्रकट हो। प्रणाम महाराज, कहिए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? इस बार तुम दोनों को हमारी नहीं सेठ पन्नालाल की सहायता करनी है, और जिस तेजी से बरसात हो रही है उससे हो सकता है कि उन्हें रास्ते में और भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो आप चाहते हैं कि हम उन्हें सही सलामत द्वीप पर पहुंचा दें? सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पुत्र की शादी के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो आ गया महाराज। अरे ये थोड़े क्यों रुक गए? पानी पीने के लिए रुक गए होंगे। पानी में डूबने से बचने के लिए रुके हैं। सामने देख, यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। हे ऊपर वाले, अब तेरा ही सहारा है।
हमारी मदद करो। सुनो सेठ जी, हमें मदद के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वे तो ऊपर वाले को आवाज दे रहे हैं। अरे मेरे अकलमंद भूत, ऊपर तो हम ही है ना। चल जल्दी चल, ले चलते हैं इस रथ को हवा में समुद्र के उस पार। अरे हम तो हवा में उड़ने लगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। तेरा नाम प्रभु है? नहीं, मेरा भी नाम प्रभु नहीं है। और सेठ जी प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। आज से तू अपना नाम प्रभु रख ले और सोच ले कि सेठ जी तुझे ही धन्य कह रहे हैं। ये ठीक रहेगा। वो देखो, दूल्हे राजा उड़ने वाले रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। धन्य है मेरी बेटी जो ऐसे महान पुरुषों के घर की लक्ष्मी। और इस तरह पन्ना लाल के बेटे हीरा लाल का विवाह हो गया। महाराज, अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो पाता। आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। महाराज, सदा सुखी रहो और जीवन में तरक्की करो। महाराज, जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते हैं कि क्या ये रथ मेरा है, और मैं मन ही मन सोचता हूँ कि काश ये रथ मेरा होता। आपके इस रथ ने मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दिए हैं। महाराज, पन्नालाल जी, हम आपकी इज्जत के चांद को कम नहीं होने देंगे। हम आपको अपना ये रथ उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। आपसे बड़ा दानी पुरुष सारे संसार में कोई नहीं होगा महाराज। कहिए राजा भोज, कहानी सुनने के बाद आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। परेशानी की तो बात ही है ना, कैसे महाराजा विक्रमादित्य ने इतनी सरलता से अपना वो रथ दान कर दिया। आपकी सूरत देखकर तो नहीं लगता कि आपने कभी ऐसा दान दिया होगा। आज तक तो ऐसा दान देने के बारे में मैंने सोचा तक नहीं। देवी, इससे पहले कि तुम मुझे जाने के लिए बोलो, मैं स्वयं यहाँ से चला जाता हूँ, परंतु मैं कल फिर आऊंगा। हाँ, मैं कल फिर आऊंगा। महाराज, महाराज उठिए, महाराज उठिए। क्या हुआ? महाराज, आज मैंने आपकी कुंडली देखी है और उसमें लिखा है कि आज आपका कार्य अवश्य सफल होगा। महाराज, तो चलो। सुप्रभात राजा भोज, मेरा नाम सत्यवती है। आज तो आप सुबह सुबह नए नए कपड़े पहनकर आ पहुँचे हैं। क्या आज आपका जन्मदिन है? नहीं देवी, परंतु मेरी कुंडली में लिखा है कि आज मेरा कार्य अवश्य सफल होगा। आज मैं आपको अपने महाराज के महान त्याग की एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, उनके दरबार में देवताओं की चर्चा होने लगी। आप सभी बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी हैं। आज हम ये जानना चाहते हैं, क्या पाताल लोक में भी किसी देवता का वास है? हाँ महाराज, पाताल लोक के स्वामी शेषनाग हैं, जो भगवान विष्णु के सेवक हैं। उनका दर्शन करना स्वयं भगवान के दर्शन करने के समान है। अगर उनके दर्शन करना भगवान के दर्शन करने के समान है, तो हमें भी शेषनाग के दर्शन अवश्य करना चाहिए। हे वेतालो, हमारे सामने आओ। प्रणाम महाराज। हम पाताल लोक जाकर शेषनाग के दर्शन करना चाहते हैं। पाताल? क्यों, क्या तुम दोनों वहाँ नहीं जा सकते? जा तो सकते हैं, परंतु आ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ बड़े 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 सांप, छोटे छोटे सांप, सांप ही सांप, अगर किसी ने काट लिया तो खत्म। क्या हमारी कहानी? ठीक है, तुम दोनों हमें शेषनाग के दरवाजे तक पहुंचा दो। ठीक है। शेषनाग का
महल। सुंदर, अति सुंदर। वेतालो, अब तुम दोनों जाओ। हे भगवान शेषनाग, आपके दर्शन पाकर हमारा जन्म सफल हो गया। सुखी रहो हे मानो। कौन हो तुम? नागराज, हम धरती पर स्थित उज्जैन राज्य के राजा विक्रमादित्य हैं। आइए विक्रमादित्य, मैं आपका अपने महल में स्वागत करता हूँ। भगवान, हमारी इच्छा है कि हम आपके इस महल और पाताल लोक की सैर करें। जैसी आपकी इच्छा। अब हमें वापस अपने राज्य लौटने की आज्ञा दीजिए। हे राजा विक्रमादित्य, आपने पाताल लोक का अतिथि बनकर मेरा सम्मान बढ़ाया है। मैं आपको यूं ही खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये दिव्य रत्न मैं आपको उपहार में देता हूँ। इन रत्नों की अलग अलग विशेषताएं हैं। इस रत्न की विशेषता ये है कि इससे जितना धन मांगोगे ये देगा। दूसरे का ये गुण है कि इससे जैसा भी वस्त्र आभूषण मांगोगे देगा। तीसरे रत्न से मांगने पर आपको हाथी, घोड़े, जो भी चीजें चाहिए वो आपको मिलेगी। और चौथा रत्न आपको धर्म, कार्य और यश की प्राप्ति कराएगा। धन्यवाद भगवान। हे वेतालो, हमारे सामने उपस्थित हो। है? महाराज, आप जीवित हैं? हाँ, अब हमें हमारे महल ले चलो। अभी लो महाराज। अब तुम दोनों जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज विक्रमादित्य अपने महल की ओर बढ़ रहे थे कि उन्हें सामने से एक ब्राह्मण आता दिखाई दिया। प्रणाम महाराज। आहा, महाराज, आज तो आपके मुख पर पहले से भी अधिक तेज है, हैं? आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव। हम पाताल लोक की यात्रा करके आ रहे हैं, जहां हमने भगवान शेषनाग के दर्शन किए। लौटते समय उन्होंने हमें ये चार रत्न उपहार स्वरूप भेंट किए हैं, जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ये रत्न धन की प्राप्ति करवाएगा, ये वस्त्र और आभूषणों की, और ये तीसरा रत्न हाथी, घोड़े, पालकी प्रदान करवाएगा, और ये चौथा रत्न धर्म, कर्म और यश की प्राप्ति करवाएगा। राजा के उपकार और उपहार में उनकी प्रजा का भी अधिकार होता है राजन। हम समझ गए ब्राह्मण देव, इन चारों रत्नों में से आप अपनी इच्छा का कोई भी एक रत्न चुन लीजिए। हाय, धन वाला ले लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे तो हाथी घोड़े वाला लेना चाहिए। नहीं 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 नहीं, क्यों ना धर्म और कर्म वाला ही रत्न ले लूं। नहीं नहीं महाराज, मैं अपने परिवार वालों से सलाह करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है ब्राह्मण देव, हम यहीं आपका इंतजार करेंगे। मैं तो कहता हूँ वो रत्न ले लीजिए जिससे हमें धन मिलेगा। एक बार घर में धन आ गया ना, तो हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं।
पिताजी, मैं तो कहती हूँ वो हाथी घोड़े देने वाला रत्न ले लो। जब भी धन की आवश्यकता होगी तो एक दो हाथी घोड़े बेच दिया करेंगे, और क्या। अरे मूर्खों, मैं तो धर्म कर्म और यश वाला ही रत्न लूंगा। क्या जी, आप तो हमेशा ऐसा ही करते हो। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। कहिए ब्राह्मण देव, आपको कौन सा रत्न चाहिए। महाराज, काश मैं पहले ही अपनी इच्छा का रत्न ले लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। क्यों, क्या हुआ। बेटा कहता है कि धन वाला रत्न ले लो, और पत्नी कहती है हाथी घोड़े वाला ले लो, पर मेरा मन कहता है धर्म कर्म और यश वाला रत्न ले लूं। अब तो मेरे घर में रोज झगड़ा होगा। अब आप ही कोई रास्ता बताइए महाराज। ये लीजिए, ये चारों रत्न हम आपको बाहर स्वरूप भेंट कर रहे हैं। हाय हाय, चारों रत्न महाराज, धन्य है महाराज, आप तो धन्य हैं। तो ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। क्या आपने कभी ऐसा उपहार दिया है राजा भोज। मैंने तो ऐसा उपहार ना कभी पाया है और ना ही कभी देने की बात सोची है। तो लौट जाइए राजा भोज, आज भी आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है देवी, पंडित आज तो मैं तेरी कुंडली बनाऊंगा। मेरा कोई कार्य पूरा हो चाहे ना हो, लेकिन ये कार्य जरूर पूरा करूंगा। कहाँ छिपा बैठा है तू, निकल, किधर है।